तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बाल बिहारी ठीक है। हाँ बाकी बाके बिहारी की जय है। तो अविचल भक्ति योग, जब कुल स्वास भगवान भोलेनाथ के बा तो वो 15 महीना में भी पूर्णावती कर ले तबो ठीक बा, नहीं 3 साल में करे तबो ठीक बा, न करबे तबो ठीक बा, लेकिन यहाँ से विचलित हुए वाला नहीं बा। यह ने ये अनुभव में बात बात यहाँ से विचलित हुआ वाला व्यवस्था नहीं बा। तो भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई। तो निश्चित बात कि भगवान के योग और विभूति के जानकारी के फल मिला तब जाके ये व्यवस्था आयल बा, कहे कि यही का फल ही बा। नहीं जौन भी भोजन का स्वाद मिला था वो नमक के कारण ही बा कि फिटकरी से नहीं को भाई फिटकरी अगर थोड़ा बढ़ा के डाल देबा तो नमक का स्वाद मिल जाए करी। उहे तो चक्कर बा, यहाँ सब फिटकरी है फिटकरी बहन, ना कहिए कि हम बड़ा बढ़िया भाई। ठीक, तो अब जो जीव इस प्रकार के भक्ति योग को प्राप्त करना चाहे वह कपट त्याग के चित बुद्धि और कान तीनों एक बना के, तीनों एक बना के अच्छे से सुने, क्योंकि दो श्लोकों में उस अविचल भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम क्रम भगवान श्री कृष्ण जी बतला रहे हैं, जो कि परम पिता परमात्मा परम पुरुष परम धाम परम पद को वाले हैं। ये कोई जो है मनई नहीं है जिस पर शंका करवे, तो क्रम बतला दी है तो एको दू सीढ़ी अगर चढ़ ले या नहीं। हाँ वो जब अच्छा लगी तो खटखटा के चढ़ जीवेगी। तो भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः असर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् अबुधा भावसो मान्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। समझ गई ले? मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। तो समझ गई ले? का नहीं यार,
समझ गई ले। तो समझ गई ले का अर्थ बा कि कोई के रूप, कोई के बाणी, कोई के चरित्र के अब कभी कारण नहीं कह सकते। जवन गहराई से समझे के बात बा वो इहे बा नहीं, अर्थात कोई के दोष नहीं दे सकते। अब समझ गई ले, तब कोई के दोष ना देवे ने। और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, सब कोई जितना भी प्रयास करला यानी सब भगवाने में प्रयास करता। ऐसन पूरे ब्रह्मांड में एको जीव न पैबे जे खुद के लिए अशांति के चेष्टा करत हुए। कैसे हमारा दिमाग विकल हो जाए, ही प्रयास कोई बल्कि अपने शांति बदे दूसरे के गर्दन काट दी है, लेकिन अपने बदे अशांति के प्रयास कोई कर सकला नहीं। को पंचम भाई कि कसो हमार मन एकदम विकल हो जाए, ये तो कोई न करी, कितनो पगलो रही तबो जो है ठीक ना। यही है कि संपूर्ण जगत मुझसे ही चेष्टा करता है। मुझसे ही चेष्टा करता है का तात्पर्य क्या है कि शांति का एक आधार मैं ही हूं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम अनिर्वाण शांति प्रदम। सुंदर कांड के इतना से शुरुआत बा। शांति के एकमात्र केंद्र वे ही हैं कहे महाराज, वह हैं और कहीं शांति नहीं नहीं औरो कहीं शांति नहीं बा। कहे महाराज दू पैग मार के सब शांति में रहला नहीं, उ क्षणिक परम शांति के केंद्र ओ नहीं बा। तहु बने चाहे परम शांति के केंद्र तो ओकरे बदे उहे करे पड़ी मोह माया और निजी इच्छा के अंत जे कर ले जाई उहे शांति के केंद्र बन जाई। तो देखो यह क्रम बा कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और संपूर्ण जगत मुझसे ही चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर अब यह दो बात बुद्धि में अच्छे से समझ के श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही नित्य एवं निरंतर भजते। कहे महाराज जे नित्य और निरंतर नहीं भजता तो भगवान के भक्त नहीं बा। खबर एकदम नहीं बा, वो तनको नहीं बा, वो बल्कि मूढ़ बा, वो मूढ़ बा। जना गणेश जी एक हाथ में चिकन एक हाथ में घंटी। पंचम भाई
सुतत है? ठीक ना, गुस्सा के नहीं भगत है, ठीक ना। और जब अब पता होगल कि जवन सेवा बा इहो भगवान के भजन बा, अगर उनके निमित्त हो तो आसक्ति ममता और कामना के निमित्त बात है नहीं क्या बा? ले ठीक ना, गलतियां हम उठले। आसक्ति ममता और कामना के निमित्त होता तो वो भजन नहीं। समझ गई ले? क्या समझ गई ले? कि हम आसक्ति ममता और कामना कोई से न रखब कि नहीं रखे के बा भाई, अभी शायद शायद रखत नहीं रखना बा, समझा का असली समझ गई ले? कहा समझ ले? कहे महाराज बापन ने का अवतार बढ़िया रहा जाने भाव एकदम पक्का बा, पक्का तब होबे करी। कहे ओके जब समझ गई ले, कहा समझ ले, जब दोनों में फिट कर देबे तब ना वो पक्का होई। तब बे ई जोन ने कुछो गलती होला तो तुरंत समझ में आवला, वो यही से होला नहीं। खाली ऐसा ही ना, अगर प्रवचन हो खाली खाली चले ठीक नहीं। तो श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही नित्य एवं निरंतर भजते तब बुद्धिमान भक्त बनबे कि बेवकूफ? बुद्धिमान यानी एक राक्षस पैदा रहा, अब उके भगवान के भक्ति में लोग लगा रहे, ज्ञान नहीं मिल पायल कोनो भी कारण से, तो वो राक्षस जाके हाथ उठा दे मार दे, ओके कुल विवेकानंद कहले उस सुअर का औलाद बने नहीं। हाँ महाराज, भाव के समझो, भक्तन के भी ज्ञान का आवश्यकता होला। अगर कोनो भक्तन के पास ज्ञान नहीं बा तो उनके ऊपर हाथ उठावे का अधिकार नहीं बा। कहे कि कोई श्रेष्ठ महापुरुष जब नहीं उत्पन्न बा तब वो भगवान में अपन मन लगा के कम से कम भजन करता भगवान के, तो मार खाए का जो है अधिकारी नहीं बा। ऐसने इसने निकृष्ट जीव वो मछली खाने वाला परम हंस सुअर पैदा कर दिया है, समझो। यही से इनकर आंख अब कभी हरा हुआ वाला नहीं बा। खिलावन भैया हाँ भाव समझे थे? हाँ मेरा। तब बुद्धिमान भक्त जन बनो तो भगवान को संपूर्ण जगत का प्रभाव समझना क्या है? तो संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न है, अतः भगवान ही समस्त जगत के उपादान यानी निमित्त कारण है। ये बात समझ में आ गल? अब कोई के कारण बतावे के जरूरत नहीं, ठीक ना। इसलिए भगवान ही सर्वोत्तम है, इसलिए भगवान ही सबसे उत्तम है। यह समझना भगवान को समस्त जगत का प्रभाव समझना है। अगर ये समझत है कि सबके उत्पत्ति के कारण भगवान है बाय, तो यही समझना
भगवान को समस्त जगत का प्रभाव, प्रभाव माने उत्पन्न करने वाला। तो इनमें नाना भांति के जीव, नाना प्रकार के लोग बयान, उसे मतलब नहीं बा। तू पक्का है कि नहीं, उसे अपन संबंध रखो। को पंचम भाई, बाकी लोग अब जेके नहीं ये सब ज्ञान मिला बा, तो वो तो माया के हिसाब से नचबे करी राम सिंह भाई, नहीं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि संपूर्ण जगत भगवान से ही चेष्टा करता है, यह समझना क्या है? तो वही शांति वाला कि ऐसा कौनो जीव नहीं बा जोन बिकल रह चाहे, नहीं। गर्मी का मौसम आ गया बा, वो कुकरो जनों पत्थरे के नीचे खन के अपन शांति से रह के प्रयास करला, लेकिन गणेश जी का आवाज सुना ना तो निकल के भाग वाला ठीक ने। देखो यह समझना क्या है, एक तो शांति का उदाहरण कि हर जीव कैसा कोनो जीव बयान की जोन बिकल रहे बदे परेशान हो ले भले कार्य करतन शांति के पावर में भले बिकल हो जा पहुंच जाए जेल काट में। हाँ, लेकिन वो मंत्र उसमें भाव की है बाकी के इरादे से हम शांति से रहा। हाँ, माने जोन प्रयास बा वो शांति के शांति में देता, और ज्ञान न रहे के वजह से वो तमाम प्रकार के क्रिया करी है। और दूसरी बात यह समझना है कि भगवान के ही योग बल से यह सृष्टि चक्र चल रहा है, ठीक ना? उन्हीं के शासन शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियम पूर्वक घूम रहे हैं। देखो कहे कि आज बरात आवे के बाला बात सूर्य भगवान, तू आज अस्त मस्त होया ऐसे ही रहे तो वो रही है नहीं। कहे महाराज बड़ा घाम लगा था, तू कुछ देर के लिए अस्त हो जाते है तो हुई है नहीं। तो ये लोग भी जो नियम से चक्र कर रहे हैं वो भी भगवान के ही योग बल से, उन्हीं की शासन शक्ति से, उन्हीं की शासन शक्ति से। मनई एक मनइये है कि वो नहीं करो ऐसा, बाकी लगभग कुल जीव सब लोग खाली मनई के छोड़ के, बाकी लोग जो थोड़ा बहुत थी जैसे अब गैया भैंस बा अगर तोड़ा लेस तो अपन थोड़ा बहुत चर लेस, लेकिन वो कहीं से चोरी करके लिया के कहीं रखत नहीं। जिसे मनई लोग चोरी करके अपन भरत है वैसे गैया भैंस कहीं रखत है ठीक न। तो मनई अब ओकर जनों के बुद्धि मिला बा कि हम ऐसे कर ले भगवान का करी है, का करिए का जा गिरगिट बनो, कुकुर बनो, नहीं। कहे कि एकदम कर्म के हिसाब से बंधन और मुक्ति देने वाला शिव होता है, कर्म के हिसाब से बंधन और मुक्ति देने वाला शिव शिव जी है, ठीक ना? तो वास्तव में वास्तविक सत्ता तो एक ईश्वर की ही है,
लेकिन जे दूसरे के सत्ता में मन लगाए उ फसा, कैसन दिक्कत हो तो बीचे में बैठ जा, यही बिछुआ में बैठ जा तो ठीक ना। तो एक ईश्वर के अलावा और किसी की सत्ता नहीं है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बढ़िया करा रही हो, बैठो का दिक्कत बा, राति में रहो ऐसे ही पड़ा हुआ। इंद्र चमके माने जौन कुछ भी बादल बिजली कुछ भी हो, पेड़े के नीचे पड़ा रहे कोहरा टपके कोनो मतलब नहीं बा। अगर पूर्ण विश्वास बात है ऐसे ही रहबे नहीं, तो उन्हीं के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे। ठीक ना, इस प्रकार से भगवान को सबका नियंता कंट्रोलर और प्रवर्तक समझना ही संपूर्ण जगत भगवान से चेष्टा करता है यह समझना है। ठीक ना, अज्ञान के कारण उजन करा था तो फंसा था, देखा जे गलती करी वह फंसी। चाहे तू एक आम आदमी बन के गलती करे तब वो फंसवे, चाहे विश्व गुरु बन के गलती करवे तब वो फंसवे, गलती करवे तो फंसवे नहीं। और जोने अवस्था में देखो था मैं कहाँ फंसा फंसाई बा, ये न तो फंसा बा न तो कोई के फंसा होता है को भाई कि कुछ फसम महसूस करता है नहीं, मेरा छुटकारा महसूस होता है। तो को भाई ये जगत में सब जने फसाही वाला तो बाय ना, मेरा ये तो नहीं है सब फसाही ने। हां, कोई मेहरारू बन के, कोई माई बन के, कोई मेहरारू बन के, कोई बहिन बन के, कोई बिटिया बन के, कोई पतोह बन के, कोई बेटवा बन के, कोई चचा बन के, कोई भतीजा बन के, कहो रोशन के बाबू सब जने फसाही वाला, कम से कम एक मनाई तो रहे छोड़ावे वाला भाई। देखा था स्थिति पूरे देखा, धरती पर जितना प्राणी बन कोई छोड़ावे वाला नहीं बा। याने? तो बढ़िया बाकी सही समय पर प्रेरणा मिल गया बाकी कम से कम एमें कई कई एक जने का मन मुक्त भयल और जितना जने आपके ऊपर ध्यान लगाए बन वो सब निकल जाई है। चरित्र से सब कल्याण हो रहा बा। तो समझ गई ले कि सभी जीव भगवान से ही चेष्टा कर रहे हैं। अभी क्या होगा बा, निरीहम चेष्टा रहित भाव रहित चेष्टा रहित कामना रहित है ना, तब होत का बा सबकर परम हित। अगर ऐसे रहित न होवे तो कोई का हित भी नहीं होता। अगर लालच में रहो तो कहा अपन हित कर दो महाराज जी, मतलब ठीक ना, समझ गई ले कि ऐसे ही बने के बा। और का अगर बुद्धि कहे कि नहीं ये ठीक नहीं बा तो भाई का कहे, भाव सम समन्वितः विशेषण के सहित बुधा
यानी बुद्धिमान भक्त जन गणेश जी बुद्धिमान भक्त जन बनवे कि बेवकूफ भक्त जन यानी तो मैं धीरे से क्या बोल रहा है बुद्धिमान भक्त जन एक भाव से समझो कहे कि यह क्रम में आगे बतावत है पंचम भाई सूतत कहे है आप कहा सूतत है ऐसे टाइट रहो जो भक्त भगवान में दृढ़ अनुराग उत्पन्न कर ले जो भक्त भगवान में दृढ़ अनुराग उत्पन्न कर ले यानी जो भगवान के अतिशय प्रेम से युक्त हैं यानी सारा ममता वाला लगाव खत्म कहे कि ममता वाला लगाव रही तो भगवान से दृढ़ अनुराग न होई कि होई रही तो कहां से होई वो जान बूझ के परीक्षा ले दे ठीक ना अगर कहीं भी लगाओ बा तो भगवान से दृढ़ अनुराग न हो तो बुद्धिमान भक्त बने बदे क्या करे के पड़ी तो बढ़िया बन है तो यहाँ बंधन से मुक्ति है बदे मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग शंकर जी कहता है बार कि जब तक मोह न जाई तब तक भगवान से परम पवित्र प्रेम न होई और उकरे आगे का बा कि मिलही न रघुपति अब बिनु अनुराग किए जो तप ज्ञान विरागा बिना परम पवित्र प्रेम के भगवान मिले वाला नहीं है और न तू लड़ुआ चढ़ा के खुश नहीं कर सकते भंडारा करके खुश नहीं कर सकते देखे बाबा तो समझ ले बुद्धिमान भक्ति यानी बुद्धिमान भक्त बने बदे पहला काम का करे के पड़ी प्रभु में दृढ़ अनुराग कभी महाराज बतिया तो तू सही कहता लेकिन यह कुछ जो छोड़े बदे कहता यह कुछ तो बात है दोनों काम तो ना हुई अगर सोचा कि हम तैसा लगाव रखे रही निष्काम सेवा तू हर स्थिति में दे सकल है काहे कि एको बात इनकर कटे वाला नहीं बा वहां तक बा भाई आजीवन दे 24 घंटा की जगह 48 घंटा का दे उसे लेना देना नहीं बा लेकिन लगाव का जगह नहीं बा गणेश जी लेकिन यह काम करेगा कौन जिनकी भगवान में अटल श्रद्धा है अटल अटल माने हमेशा तनको कोनो क्षण कटे वाला नहीं वह है ना करी कि दूसरा कोई कर ले ठीक ना कहूरो कहीं मन लगा रहे तो भगवान में अटल श्रद्धा हुई समझता है
बस समझौता है तो भगवान समझ ले बड़ा शुभ समय बा। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति विश्वास पूर्वक समझते हैं, तो जब अटल श्रद्धा रही तब न विश्वास, भली भांति विश्वास तब हुई जब अटल श्रद्धा हुई, और भगवान का गुण प्रभाव कुछ कुल सुनता बाय है। अगर तब्बो अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं भा तो फिर हम कहां से गली। तो ऐसे भगवान के उन बुद्धिमान भक्तों का वाचक भाव समन्वित विशेषण सहित बुधा पद है, जो अपने भाव को भगवान में विलीन कर दे उसे बुद्धिमान भक्त कहते। तो क्या बनबे बुद्धिमान भक्त, तब यहीं बन जा कि सोचबे नहीं ने ठीक ना खिलौन भैया। हाँ और का जोने आश्रम में शरीर बात सेवा होता और का चाहिए भाई, कोई के धोखा थोड़ो देता है। अब ये शरीर कोई के धोखा दे के तोड़ो भागा बा, अब भगा दे बा तो भागी जाई है या ने? राम सिंह भाई ए निहा से जाए वाला बाय शरीरिया जाना ला कब जाई नहीं, जब शिवधन का नाती एक दिन चाय लेके आई तो वह चाय पी के ठीक ना कोनो दिक्कत नहीं बना ना ना, ना, ना। कुल ऐसे ही आनंद में पड़ा रहा, मुख्य चीज जो मुख धारा मिल जाता समझ ले, जन्मन जन्मन से फराल अलग ट्रेन के ट्रैक पे अब खड़ा हो जाता है और चले, अब जो चलत रही भाव पहुंची जाए। हाँ जरूर पहुंची, और लोग अभी ट्रैक से बहुत दूर चला गया भाई, ठीक ना? तो भैया इतना जितना भी ज्ञान मिला उपर्युक्त प्रकार से भगवान को संपूर्ण जगत का कर्ता हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोक में कहे हुए प्रकार से अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों द्वारा नित्य एवं निरंतर भगवान का स्मरण और सेवन करना ही भगवान को भजना है। असली भजन ये है बा, अगर श्रद्धा विश्वास नहीं बा तो हवा में। तो देखिए भगवान का भजन करना क्या है, उसके लिए भगवान खुद दसवें अध्याय के नौवें श्लोक में कहते हैं कि मत चिता मद गत प्राणा अबोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यम् अतुष्यन्ति च रामान्ति च
नित्य एवं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा अन्य लोग नहीं, जो नित निरंतर मुझ में ही मन लगाने वाले हों, पैसा में समझो भाव के, और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं। स्वाभाविक संतोष ऐसे ही मिला ला भाई। भाई पहुंच गई ले तब चर्चा होता, नहीं पहुंच ले तो चिंतन होत रहा, लेकिन नित्य और निरंतर ये कपटी लोग जो नी सुबह शाम एक एक घंटा आधा आधा घंटा का ड्रामा मचाए बहन, ये कुल एकदम कपट के नौकर बहन ने। और ऐसे भक्त मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते, जाने तो भगवान कहते हैं कि नित्य एवं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, ठीक। और फोन पे तू सुबह सुने होबे जरूर, तू ते जीजा हमें एकदम में भुला गई ले, कभी हमें यादो नहीं करते, तो सोचे कि हम ही फोन कर ले, माने हमेशा दूसरे के नीचे गिराना और अपने आप के ऊपर दिखाना, यही कपटी मनुष्य के स्वभाव होएगा बा, ठीक है नहीं। तोरो ऐसा अनुभव बा कि तू तो यार कभी फोरन आई करते बबुआ की चक्कर में पड़ गया भाई है ना, तो ये सब नित्य निरंतर के तोड़े वाला भाई ने अब कह देन कि नहीं हमरे बारे में ख्याल करते है, नहीं सोचते है, तब उसे देखो बुद्धि, अरे तू ऐसे काहे समझो थे भाई, तुमने बड़े इतना सोची ला चिंता कही ला, तू झूठे कैसा तू गलत सोचते है ऐसा बात। देखे एक तो वो तुड़वार और ऊपर से तू झूठ बोले, ठीक ने, बड़ा खतरनाक बाबा एक बड़ा या ने? तो एक निर्णय अब इन कभी कोई से फोन पर बतिया न करिए, या ने भाई निर्णय जीवन में बड़ा कड़ा कड़ा लेवे के पड़ा ने, तब वो सब कही अरे सब ठीक बा, लेकिन फोनवा पर तो कम से कम बतिया सको दे, क्या करिए सब यह तोड़े वाले बहन, भगवान से जोड़े वाला कोनो नहीं बहन, या ना कोई ही ना कही कि जायद कलयुग में क्या कर बे ब्याह शादी करके, माई बहू के जीवन भर सेवा दे, सेवा करके निवृत्त होके मन भगवान में लगा दे, यह जो हो कि काल फुसुंडियो जी करें दिया हुआ नहीं करें,
और जब काल बस माता पिता हो गए तब बन गए भगवान का भजन करे बदे जान है। अरे जब हुआ अनुभव हो जाता कहो राम सिंह भाई जितना अनुभव होगा बा अगर कुंवारा रहते गणेश जी की तरह तो फिर ब्याह करते नहीं बोलो भैया बने नहीं बोलते मुँह हिला देना है जाने वाले हमें सब फसाई वाला बा संसार में छोड़ावे वाला गणेश जी कुछ फसाई वाले बान ने कोई कहे कभी नहीं कि जाए दे तू ऐसे ही सेवा हुआ करे बढ़िया बा क्या कर बे जो है ऐसा तो बान है कि सृष्टि गायब हो जाए और सृष्टि भी भगवान के इच्छा पे चला था और यहाँ देखवा तो सब जो है जिसे लगा था सृष्टि चलावा का ठीका लेके आलवा सृष्टि रुक जाए तो भगवान यह कहता है निरंतर मुझ में मन लगाने वाले नित्य एवं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले इसे कहते हैं मत चित्तः माने नित्य निरंतर मुझ में ही मन लगाने वाले। तो कैसे लगी प्रश्न आई गुरु नित्य निरंतर भगवान में मन कैसे लगी। तो जब ये जान जाता है कि भगवान ही मेरे परम प्रेमी परम सुहृद परम आत्मीय परम गति और परम प्रिय है और स्वार्थ रहित है नहीं तब तो लगी जाए ही कुल स्वार्थी बैर भार नहीं तो लालची से मन लगी कि जे स्वार्थ रहित परम प्रिय परम सुहृद नहीं। तो जो जीव इतना समझ लेगा वह मत चित्तः यानी मुझ में मन वाला हो जाए। पहली शरणागति है बाकी मुझ में मन वाला हो यह ना। तो जो इतना समझेगा बतावे कि भगवान ही मेरे परम प्रेमी है स्वार्थ रहित कल्पों कल्पों से साथ वही तो दे रहे हैं ना बिना आत्मा के कौन शरीर चलावा। तो मेरे परम प्रेमी वे हैं मेरारू नहीं लेकिन मेरा रुवन दिखाई है ना कि हमसे ज्यादा तो के प्रेम करे वाला कोई नहीं बा। इन्होंने कभी लीला बड़ा तगड़ा बान है कहा यार पंचम भाई तू सूतक कहे है यार याने जब सही चीज रहला तो वो प्राश्चित आके घेरला। अब यही बाड़ी थोड़ा सा विराम दे करके रुक जाए तो देखबे नींद तनकुल न लगी हाँ तब एकदम रही कि नहीं अब कुछ जब मनोरंजन के बात करबे तो ओके मजे आई तो नींद और ये कुछ भारी भारी बात बा और भारी का बा एकदम सौरल बा मर्दवा परम सुहृद है परम आत्मीय परम गति और परम प्रिय वे ही है।
इन सब भावों को समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लग गया, जने तो भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में, किसी भी कपटी भावनाओं में जिनकी प्रीति, आसक्ति और रमणीय बुद्धि नहीं है, जने जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते, खाते, पीते, व्यवहार काल में भी और ध्यान काल में भी कभी क्षण मात्र के लिए भगवान को नहीं भूलते। ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ भगवान मच्चित्तः विशेषण का प्रयोग किए तो बताओ मच्चित्तः भक्त भय तो समझ गई ले, का समझ गई ले? अब चित्त शंकर जी के ध्यान से कभी हटे ना, व्यवहार काल हो चाहे ध्यान काल हो, नित्य एवं निरंतर कहें कि आजू का प्रसंग समझ ले, पूर्ण श्रद्धा के बिना ही होबे न करी। और जब तक कि वासना से उत्पन्न संसार चित्त से जाई नो, तब तक पूर्ण श्रद्धा कहाँ मिली? जाई कैसे? निष्काम भाव से। तो खाली कहे सुनोई कि गुरु हमारा अब निष्काम भाव होएगा, निष्काम भाव होएगा तो निष्काम सेवा जब होई तो उसका चरित्र है। खाली कहे से निष्काम भजन बता लें कि निष्काम शो बता बोले। हाँ यहाँ से सुन ले, निष्काम सेवा, निष्काम भजन, परम गजल जमाओ और भजन करो, क्या ना भगवान के इतना समझो और गाजा के नशा में इतना कोई समझी? हाँ महाराज जी मैं सुनता हूँ। जाने तो मत चित्ता ई काम करे की पड़ी, फिर मद गत प्राणा जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के ही लिए है। किसके लिए? केवल भगवान के लिए ही है। जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असह्य है, माने असहनीय, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं,
प्राण को भी धारण किए हैं तो मात्र भगवान के लिए ही। अगर भगवान के लिए जिनका प्राण धारण नहीं है वो बल्कि प्राण छोड़ दे तो अच्छा है, लेकिन भोग वाला जब बुद्धि बा तो फिर कब प्राण छोड़े पड़े तो थूक के मार दे उसे। खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सब में ध्यान दे। आ गई बात, वह जौन समझौता है। सही सही पहले बताओ, इनकर कौनो प्रयोजन बा ऐसा अनुभव भाबा? निजी कौनो नहीं भाबा। तो भगवान यह कहता है कि खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया हो, जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मदगत प्राण का प्रयोग किए, तो ऐसे जीव परमात्मा के प्राण ही होते हैं। ये ने अनुभव करता है तो जे प्रयोजन से मुक्त रही हुए ना भवा, परम कल्याण में अपन जीवन सफल करी ने? ते ई प्रयोजन से मुक्त होना जब पीछा पिछला कुल रही तब हुई। बुद्धि में बात बैठा था हमारा जन्मारी पिता ठीक ना, अनुभव होता कि नहीं? तो जे मत चित्ता और मद गत प्राण ई दोनों चरित्र से पूर्ण रही वह बोध करा पाई। जने राम सिंह भाई वह बोध करा पाई नहीं, जगह प्रयोजन रही वो कुछ नहीं सुनल, वो हवा में सुनल कुछ एयर कुछ और काय के ओकरे बाद आवता यह व्यवस्था परस्परम बोधयंतः। इसका क्या भाव है? भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेमी भक्तों का जो अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण प्रभाव तत्व लीला महात्म और रहस्य को परस्पर नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने की चेष्टा करना है। नहीं भाई, नाना प्रकार के युक्तियों से नहीं खिलावन भाई, लोटा का पानी अगर डाल दे भाई एकर अस्तित्व। तो जब एमए रहबे तब भाई आई कहे कि ये उदाहरण कभी सुने नहीं ने जने तो पकड़ा देते हैं है इंसान हर आदमी पकड़ ले हम वो है ना
कहे कि बिल्कुल अंगूठा छाप भी रही तो शीशा में अपन मुंह देख ले, लेकिन शीशा जब साफ रही तब ने ठीक। यही परस्पर भगवान का बोध कराना है। तो जो गुरु होते हैं वो हमेशा बोधमय होते हैं, उनको सिर्फ वाणी से भगवत चर्चा नहीं करते, सभी चरित्रों को धारण करते हैं। तो ऐसे गुरु हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए तीसरे श्लोक में उनकी वंदना तुलसीदास जी शुरू में ही कर देते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम अगुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी अचंद्रः सर्वत्र बंध्यते। जने तो जो नित्य बोधमय हो यानी ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे गुरु रूप भगवान भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी संपूर्ण जगत में वंदनीय। तो बोधमय होना चाहिए ना, तो आप समझ में आये कि बोधमय होवा के पदे पहले तो मद चित्त हो, नहीं मद चित्त मदगत प्राण, तब जाके बोधमय हो गए। देखो ये सब चीज से लोगन का दूर दूर तक नाता नहीं बा, जो संसार में गुरु बन के बैठा बा है ने? हाँ समझ ले, तो भवा भी बोध हो जाता, जौन अनुभव हो जाता बस हो सही। भगवान का कथन करना क्या है, तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूप का कीर्तन और गायन करना तथा कथा व्याख्यान आदि द्वारा जिसे होता चरित्र धारण करके लोगों में प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान का कथन करना। जब उकुल रहे तब कथन करे के अधिकार बा, और उकुल देखे कहीं बा नहीं खाली ऐसे ही जग जग महादेव जगा दे महादेव। पंचम भाई जागो यार, अरे वह तो बा कहो गणेश जी तू जाग गई ले खिलौन भाई तू जाग गई ले, कैसे पता कि जाग गई ले है? नहीं संसार सपना है, ये बुद्धि के पता भयल, ये बुद्धि के पता भयल अजमल कि जान ही तब ही
और जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। भगवान की भक्ति को छोड़कर सांसारिक सभी विषयों और सभी भोग विलास से वैराग्य हो जाए तब आप जागे। तो फिर पूछिए बताओ गणेश जी जाग गई ले? तो कब अरे यार अब तो बात ही से कटेगी पड़ी दो दो के नहीं बाबा खिलाओ भाई जाने खाली जाने से न हो फूल ऐसे ही जान जान के तो भगवत ब्रह्म ज्ञानी होगा बहन तो जीव को तभी जगा हुआ समझना चाहिए जब संसारिक सभी विषयों और भोग विलास से वैराग्य हो जाए माने उनमें कोई आसक्ति न रहे। क्या मूल मुलावा तो अभी जगह नहीं बा वो भुरहरी वाला नींद बा जग गए बा। हाँ तो नहीं कहे में भी संकोच करे की जरूरत नहीं बा। ओके समझो कहे कि कुछ नहीं जागा खाली जागहूं तो कुछ न होई बैराग के बाद विवेक पैदा कर बे जाने तब भक्ति शुरू होई। यहाँ सब सूता बन तब कहिए हम भगत है जाने हाउ कुल फूट प्रेस चढ़ जाले कुल उपरा जो दुधवा से नहा ले गरम गरम दुधवा से देखा तो गए कहीं करहा रहा सुने है ना महाराज देखे तो दुधवा कहाँ नहा ले महाराज हेनवा रहला खौला लगा हरिया बोलिए हरियवा कहाँ उसको ऐसे उतना करे मैंने हवा में फेन कितना देरी धीराजवा का जो भी सुना लेन हमने नहा दे तो चूटा बोल के नहा दे ठीक अपन देवता सधारा बोर के हमने नहाई हमने वह जन्म लगा लगा सवा सवा हुई थी नाक निकाल के नाती निकाल के लाते हैं बात रही थी डरी फेनवा से महाराज उसे फेन उन्हें कॉल आई है तो समझा बात के ध्यान दे इतना जब करबे तब जाके स्वाभाविक संतोष उत्पन्न होई ना। तो प्रत्येक क्रिया करते हुए जितना क्रिया होता नित निरंतर परमानंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है यानी अब इनमें अंतर नहीं बाबा चले तैसा जो की मन विचलित फल फिर बना ले ज्यादा बिगड़े नहीं दे उसे नहीं टूटे के हमेशा आनंद में ही पड़ा रहो। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूप आदि का श्रवण मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। वेद के विपरीत कोनो कर्म नहीं हो सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। सांसारिक वस्तुओं से ठीक ना
उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। ठीक ना? क्या वैसे ही भजन हुई कि समय लगी? हाँ, तो भैया कुंद इंदु सम दे है उमा रमण करु नायन। थोड़ा नमक भी रख दे करे नहीं अब जाएगा। तो श्रद्धा रूप स्वरूपा माता पार्वती जी के साथ रमण करने वाले हैं भगवान भोले नाथ। तो जो श्रद्धा के साथ रमण करेगा वही विश्वास का पात्र बनेगा, जो वासना के साथ रमण करेगा वह फिर विश्वास का पात्र नहीं। तो भगवान के नाम गुण प्रभाव शीला स्वरूप तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण मनन और कीर्तन करते हुए एवं भगवान की रुचि और आज्ञा तथा संकेत के अनुसार केवल भगवान में प्रेम होने के लिए प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत अपने पास समझकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना। तो वो जैसे हृदय पर अगर हाथ भी रख ले तो कुछ न कुछ हृदय के धकधकाहट सुनाई दे, माने अनुभव हुई, तो वह श्री राम जी के द्वारा होता, वह हृदय में पश्चिम की तरफ मुड़ी करके पूरब की तरफ गोड़ करके सुग्रीव जी के जांग पे सर रख के दोनों हाथ से बाढ़ के सुधारते हुए वह हृदय में है। और अंगद जी हनुमान जी चरण तो उनकर याद अपने यही हृदय में करबे कि वो नहीं है हम कुछ है। और वो नित्य एवं तो भगवान में रमण करना बढ़िया बात। बाबा की संसार में रमण करे बदे चाहिए बाइक, ओकरे बदे चाहिए पेट्रोल, ओकरे बदे चाहिए पैसा, और हेलमेट नहीं लगाए बा तो कट जाई टिकट नहीं। तो संसार में रमण करना ही खाली दुख प्रद बा, और भगवान में रमण करबे ते में दुख के कोनो लेस मात्र भी नहीं बा। तो भैया जे एक प्रकार से भगवान का भक्त बा तो भगवान एके तत्व ज्ञान रूप योग दे देले, और उस तत्व ज्ञान रूपी योग से जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाता।
ठीक ने, कहे कि प्रश्न आई कि महाराज ऐसे करब तो का होई, ठीक ने, तो का होई वो दो श्लोक में आगे बताई है, लेकिन संकेत यह बा कि जे एक प्रकार से भगवान में रमण करी, ओके भगवान तत्व ज्ञान रूपी योग प्रदान कर दे जाए, और वही के वही तत्व ज्ञान के ऊपर वो बैठ करके धाम के पहुंच जाए, जाने तो जे वहां पहुंच जाए वो कभी वापस न हुई। भले से कोई कहे रवि गुरु वही राम खिलावन के महुआ तरबायन, लेकिन यार एक बात नहीं समझ में आता कि महुआ एकदम सूखा रहा, एकदम हरा भरा होएगा, कुछ न कुछ बाल बता गुरुआ की हाँ, और बोला ला बड़ा एकदम टाइट टाइट यार, बड़ा तेज गर्जोला, वो आदमी ऐसे नहीं कर सकते भाई, नहीं ठीक ना। तब नित्य निरंतर मन भगवान में रमण कराओ, और इसी वाणी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो जब भगवान के द्वारा सृष्टि चक्र चलता, और जब से अलग भवा तब से कई कई योनि में भटकता है, कुछ पता बाय नहीं, और मनई के शरीर मिला बा यही काम बदे, यह मुख्य काम बा, बाकी कुल जितना भी काम बा कुल साधन हो, वास्तविक कार्य नहीं बा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।